जी इस वक्त हम बलोचिस्तान हाउस में बैरिस्टर सैफुल्ला खान मक्सी के साथ मौजूद हैं और मक्सी साहब थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वैग मायर में है इस पर आपकी लीगल ओपिनियन क्या है देर आर टू ओपिनियंस देयर इन पार्लियामेंट हाउस वन इट अनएक्सपेक्टेड

सो so, वो मुझे इंटेंट तो थोड़ी नज़र आ रही है कि द वे द प्रोसीडिंग कंडक्टेड एंड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट वॉज रिकॉर्डेड आई थिंक इंटरव्यू रिकॉर्डेड उनका मैसेज था ऑन टी वी वेयर ही हैड दैट आई एडवाइस टू द प्रेजिडेंट और वो इतनी जल्दी उस पर अमल भी हो गया प्रेजिडेंट ने uh, उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और बहुत मतलब तो ठीक है वो वो अपनी जगह पर वेरी Uh, larger uh, constitutional uh, questions and the legalities involved. Uh, because the other matter has gone to the supreme court, i'll restrain myself. obviously, there are issues with how article 5 was taken up by the law minister. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Matlab, article 5, article 5, it applies to each and every citizen of the state. Uh, uske one mein dekhlay, toh, every and it's across, i think, internationally. any any constitution that you will open up will not say that you can be disloyal to the state. And be disobedient to your state and still enjoy the privileges of a citizen. I think it comes with that you have privileges of being a citizen of Pakistan. So you have uh, a, a, a responsibility to be obedient to the constitution and to be obedient to and loyal to the state. In the same way, uh, even if anybody who is not a Pakistani and has is is present in Pakistan's territory.

सेनेट में भी द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कॉन्डक्ट इन सेनेट जो है आर वेरी क्लियर अबाउट द पावर्स ऑफ द चेयरमैन अबाउट द प्रिवेजेज ऑफ मेम्बर्स अबाउट हाउ दे द हाउस और दे कंडक्ट कमिटीज इधर थोड़ा मुझे लगा मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि एक जुडिशल रूलिंग देने की कोशिश एक नजर आई है मुझे स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर बिकॉज उन पर भी नो 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 कॉन्फिडेंस आया हुआ था एक तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या वो ये कर सकते थे जब उन पर आया हुआ था या कोई पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते फ्रॉम दी अदर मेंबर्स को लाया जाता और वो ये हाउस की प्रोसीडिंग्स चलाते mm -hmm. जो कि नॉन बायस्ड होता या ना होता आर्टिकल सिक्सटी नाइन की एप्लीकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द रूलिंग्स विद इन द हाउस तो अपनी जगह पे हैं बट क्या अगर एक स्पीकर या एक चेयरमैन सेनेट जो है वो ब्लेटेंटली वायलेट अपने ही रूल्स को करे तो कोई और ऑल्टरनेटिव रेमेडी अगर मौजूद ना हो किसी मेंबर के पास उस हाउस के तो वो कहाँ जाएगा तो जाहिर है वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट ही आ जाती है जहाँ आप आर्टिकल 184 में जा जाते हैं और, और रेमेडी सीख करते हैं बिल्कुल तो इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को, को कोई एक्सेप्टेबल uh, रेमेडी नहीं मिलती तो आपके ख्याल में अपोजीशन के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल मूव है जी दिस इज़ फॉर द लीडरशिप ऑफ ऑल द पार्टीज से I represent one of the parties, and I'm here in speaking in my personal capacity, not on uh, what the party position is. Obviously, uh, the uh, People's Party or the PDM, they wanted early elections. Mm -hmm. We obviously wanted to get rid with the government as soon as possible, mm -hmm. but the government can't rob us of this narrative right now. So this is what the ex prime minister is doing. is saying that they wanted early elections, I'm giving them early elections. Now why are they crying foul? Hmm. That's not the case. We were looking for early elections. Our narrative cannot be robbed by him by using an unconstitutional move. In our opinion, hmm. Supreme Court का जो भी फैसला होगा वो मनोअन्त सबको ही कबूल होगा. ये है. But Supreme Court के ऊपर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये ज़रूर आ गई है कि वो अपने past फैसलों को भी देखे जिसकी वजह से as an institution उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आए हैं पहले और ये हमारी तारीख है इससे कोई छुपने वाली बात नहीं दीज आर फैक्ट्स थिंग्स हैव हैपेंड इन दिस कंट्री विच हैव बीन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दे हैव बीन गिवन लीगल कवर वी हैव सीन नाउ सिंस द मुशर्रफ एरा दैट दैट इज़ नॉट द केस नाउ बहुत सारी चीज़ों में अब वो रिस्ट्रेंट भी आ रही है कि जी इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता इट देर हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन अगर नेशनल असेंबली के अंदर फॉलो नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर नहीं फॉलो होगा तो इसका मतलब है कि फिर उसको फिर दोबारा आप कह दें कि जी दिस इज अ पीस ऑफ पेपर इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल हु रूल ओवर इट एंड बॉडीज एंड ऑर्गन दैट रन इट एंड इफ दैट इज नथिंग यूर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द स्टेट हुड तो ये तो आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट का कोई इदारा इंक्लूडिंग पार्लियामेंट इंक्लूडिंग पोलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे सो आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि एक सही रास्ता निकलेगा और आ, सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगी दैट इज़ वाई वो बहुत गौर से इस चीज़ को देख रहे हैं प्रॉब्लम एक टाइम कंस्ट्रेंट का ज़रूर है बिकॉज uh, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ को अभी तक रिस्ट्रेन uh, नहीं किया hmm. uh, किसी भी इकदाम को वो उसकी वजह से वो जो इकदाम हुए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपने टाइम पे चल रहे हैं hmm. तो या तो सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इस पर फ़ैसला दे या आई थिंक फिर सुप्रीम कोर्ट शायद वो, I mean, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है आई कैन नॉट बी इन दैट पोजीशन टू से वो क्या करें या क्या ना करें बट अगर अगर एज रियलिस्टिक अप्रोच में देखूँ तो अगर आपने एक चीज़ अमल को रोका नहीं हुआ है और वो अपनी टाइम लाइन पर चल रहा है और आप दूसरे तो अमल पर बहस जारी कर रहे हैं तो उस बहस को भी आप उस टाइम लाइन के अंदर ही फिर तो कंप्लीट तो करके कोई तो आप जजमेंट uh, देंगे जिस दिन पी एम एल क्यू ने यह डिसाइड किया कि परवेज़ इलाही उनके सी एम पंजाब के कैंडिडेट होंगे उसके चंद घंटे बाद ही जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है जिसके उतने ही नंबर्स हैं उन्होंने अपोजिशन अलाइंस ज्वाइन किया और एक बैलेंसिंग एक्ट किया तो हमारे ज़राए का यह दावा है कि उसमें आपने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया आपकी फैमिली ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं बी ए पी का और अपोजिशन पार्टी पर्टिकुलरली पी 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 के साथ नो आपके जराए कौन है Uh, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बी ए पी के मेम्बर्स जो ऑफ दैम बिलोंग फ्राम बलोचिस्तान सबके साथ हमारे रवाबित भी हैं कुछ के साथ मेरी रिश्तेदारियाँ भी हैं पोलिटिकल पार्टीज़ का वक्ता वक्तन रता वक्तन रहता है uh, तो वो रबते कायम रहते हैं चाहे वो अपोजिशन में हों या वो गवर्नमेंट uh, में हों एलाइज़ जो हैं उनका राबता सबके साथ होता है पी एम एल क्यू के साथ भी बी ए पी के आई थिंक रवाबित बहुत अच्छे रहे हैं पी एम एल क्यू के अपने जो लीडरशिप uh, है ख़ासतौर तो पर परवेज़ अल्ही साहब ने तो एक इंटरव्यू में मेरे ख्याल में, में हाल ही में ही कहा था कि जरदारी साहब हमारे इत्यादी हैं और हम उनके इत्यादी हैं uh, आ, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग थी जो जिस तरह से हुई वो तो अपनी जगह पर है बट उनके जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया पी एम एल क्यू के uh, चीमा साहब ने और चौधरी साहब के जो बेटे हैं चौधरी साल एक मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो भी दे हैड कम टू जॉइन ऑपोजिशन ऑन 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 दिस डे रोल इस तरह से अदा ज़रूर होता है कि ज़ाहिर एक पर्सनल कनेक्शन भी लोगों के साथ होता है uh, तो ज़ाहिर है लीडरशिप की तरफ से था कि कोई रवाबत अगर हो जाए बीजेपी uh, की लीडरशिप के साथ तो वो बातचीत चलती रही uh, जो छोटा मोटा रोल अगर हम अदा कर सके हमने किया Uh, और ये पॉलिटिक्स है वन डे यू टुगेदर वन डे यू नॉट टुगेदर आई वीर होपिंग कि ये ये जो भी uh, एक uh, माह हुआ था एज़ फार एज़ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या पता ये आगे इसको हम और मज़बूत करें और अलाइंसिस uh, मज़बूत होना और लोगों को इकट्ठे करना वैसे भी सुनत है अमल है अच्छा है आई थिंक पाकिस्तान के लिए इन दीज ट्रबल्ड एंड डिवाइडेड टाइम्स जो जो लोग ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड कर सकें तो वो आई थिंक पाकिस्तान की सियासत में एक बेहतर रोल अदा कर सकेंगे आगे भी ठीक है थैंक यू वेरी मच पक्षी साहब